जैन दोस्तों, मैं छवि श्रीवास्तव आज बात करूंगी करियर की, करियर ऑप्शंस की। मुझे लगता है हर लॉयर की लाइफ में जब उसके करियर पाथ को सिलेक्ट करने का मौका आता है तो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आती है, स्पेशली उनके जिनको प्रैक्टिस में, जिनको लिटिगेशन में जाना होता है। क्योंकि जनरल नॉर्म्स जो अभी ऑलरेडी सेट हैं वो ये कहते हैं कि या तो आप सिविल में जाइए या तो आप क्रिमिनल में जाइए। बट इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो शायद हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। कुछ और भी ऐसे करियर पाथ्स हैं जिन्हें अगर हम एक्सप्लोर करें तो वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दे सकते हैं, जिसमें से एक शायद एक कॉरपोरेट है जो कि एक नया कल्चर है जिसमें अब लॉयर्स की पार्टिसिपेशन दिख रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ आज मैं एक और ऐसे करियर ऑप्शन की बात करूंगी, एक ऐसी फील्ड की बात करूंगी जिसमें बहुत स्कोप है लेकिन शायद उसकी अवेयरनेस इतनी नहीं है, और वो करियर पाथ होगा AFT, दैट इज आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ AFT की एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, एडवोकेट डॉक्टर आशीष अस्थाना सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। सेम ईयर बच्चे। तो सर, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, दो विल बी टॉकिंग अबाउट योर लाइफ जर्नी एज वेल। बट उसके पहले सर, मैं जानना चाहती हूँ कि AFT का बेसिकली वर्क कल्चर क्या है। ओके, इट्स वेरी फैंटास्टिक आई शुड टेल यू। ये जैसे हम लोग के यहाँ सर्विस मैटर्स जो होते हैं वो डील होते हैं, जी एंड इट इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी लिमिटेड देयर, बिकॉज आर्मी के से रिलेटेड जो भी सर्विस मैटर होते हैं या उनकी कोई ग्रीवियंसेस होती हैं, या जैसे कोर्ट मार्शल जो होते हैं और जो निकाल दिए जाते हैं, या पेंशन की प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो है दिस इज पर्टिकुलरली डील इन दिस ट्रिब्यूनल, फाइन। बट ओनली सर, सर्विस मैटर। ओके सर, सर बट एक जहां तक मुझे लगता है एक जनरल कंफ्यूजन सबके दिमाग में होती है कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस इन AFT तो आपको आर्मी बैकग्राउंड से या आर्मी में होना जरूरी है, क्या ये नो सच नो है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, लॉयर तो लॉयर है ना, ही कैन प्रैक्टिस एनी वेयर, है ना। आइदर इट्स आर्मी, है ना, जी सिविल है, क्रिमिनल है, कॉरपोरेट है, और इवन चकबंदी वाले जो केसेस होते हैं, एवरीबडी कैन डू। मतलब एनी बडी हु इज हैविंग अ डिग्री ऑफ लॉ, ही कैन जी प्रैक्टिस। देर इज एज सच नो रूल्स, और ऐसी कोई मनाही नहीं है। सर, आप कब से AFT के पार्ट हैं? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई शुड टेल यू। आई श्योर। गेस यू गाइज हैव लॉट ऑफ टाइम, या सर, राइट? प्लीज प्लीज प्लीज। आई वॉज वर्किंग इन दुबई, एंड इन 2004 देर वॉज अ फैमिली प्रॉब्लम, माई डैड हैड प्रॉब्लम, सो आई लेफ्ट द जॉब देयर एंड आई केम बैक टू लखनऊ टू लिव विद माई फैमिली एंड माई पेरेंट्स। एट दैट टाइम आई वॉज इन लेट 30s. Then I joined LLB in 2005 and completed in 2008 without any back papers. I should tell you, especially I should mention you. Then I started doing practice from 2008 onwards, and this AFT was established in 2009, and AFT Act was built in 2007 and it was passed in the Parliament. उसके 2 साल के बाद जो है AFT स्टैब्लिश हो गई थी यहाँ पे पूरे इंडिया में। जी अच्छा, आई वॉज फ्रॉम ए कॉरपोरेट सेक्टर, तो आई नीड समथिंग वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी डिफाइंड थिंग, है ना। सिविल कोर्ट वॉज गुड, हाई कोर्ट वॉज इनफैक्ट वेरी गुड, बट सिविल कोर्ट वॉज समथिंग लाइक आई वॉज नॉट वेल इक्विप्ड विद द थिंग्स देयर, आई वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ द एटमोस्फियर देयर एट दैट टाइम इन 2008. Now I can handle anything. So when this 2009 AFT Lucknow was established, then there had a case. I guess some of my friend told me ki Ashish, go there, you will definitely enjoy. Then I came in 2009, that it was just being started. तो उस समय एक एम वर्मा साहब थे, जो if you remember long back he was from Lucknow High Court, और एक जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सहाय साहब थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे। तो इट वाज अ फैंटास्टिक टाइम देयर, एंड आई हैड टू लाइक मग अप द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट सेक्शंस दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर AFT AFT रूल्स।
So I started there from 2009, in fact. Okay. And it was a wonderful journey to start with, and still I'm enjoying. Great, sir. Good to hear that. और इसके साथ मैंने कुछ questions arise होते हैं, but उसके पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि ये एक अलग आपकी स्टोरी एक अलग तरीके की इंस्पिरेशन है आजकल के यंगस्टर्स के लिए बिकॉज सम ऑफ देम व्हेन दे गेट फेल्ड इन द फ्यू ऑफ देयर अटेम्प्ट्स चाहे वो जुडिशरी के लिए हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो तो वो बहुत हताशित हो जाते हैं कि बस अब तो इसके आगे कुछ नहीं बट आपने स्टार्ट किया अपने करियर के एक मिड पॉइंट ओवर होने के बाद midpoint, और yeah. बिल्कुल दोनों डिफरेंट पाथ्स पे So that is a great story to hear. और सच में ये बहुत बहुत सारी motivation लाने वाली है लोगों के लिए. छवि, this was a career which was by chance, not by choice. True. But True. Now it's my choice. Great. I'm enjoying. Great. तो सर इससे जो अभी आपने कुछ बातें की कि आपको कुछ laws पढ़ने पड़े specially for AFT. तो सर इससे मेरा एक question ये आता है कि क्या यहाँ की जो AFT की प्रैक्टिस है वो थोड़ी नैरो डाउन हो जाती है जस्ट बिकॉज आपको इसमें कम सब्जेक्ट्स कह लीजिए या फिर कुछ स्पेशल लॉज ही पढ़ने होते हैं ऐसा कुछ नॉट नैरो यू कैन से इट्स डिफाइंड वर्क लिमिटेड है बट इट्स नॉट नैरो इन फैक्ट क्योंकि इसमें जैसे सर्विस मैटर है आई गेस मेनी पीपल विल बी प्रैक्टिसिंग इन कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है या सैट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल They are dealing particularly in a section. Mm-hmm. Like CAT is dealing in central government officers or mm-hmm. employees. Mm-hmm. But the state wala hai, state government ke liye hota hai. Isi tarah yahan pe specifically army ke liye tha. Mm-hmm. Actually kya tha ki previously from before 2009, all the army cases were deal in high courts. Okay. So wahan pe kya? High court you know, you can understand. Mm-hmm. Wahan itne cases hote hain ke... हो ही नहीं पाता तो एक गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम लोग एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल बनाते हैं वेयर ओनली आर्मी पर्सनल्स विल बी डी आर्मी इंक्लूड दैट एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी तीनों चीजें होती है मिलिट्री वाली है ना तो ये सब चीजें जो थी वहां पे डील होने लगी तो इट वॉज ए स्पेसिफिक स्पीडी ट्रायल होता था जो आज भी है कोशिश यही होती है जजेस की कि इट शुड बी ए स्पीडी ट्रायल सो आर्मी पर्सनल जो हमारे देश के रक्षक कहना चाहिए दे शुड गेट सम स्पीडी ट्रायल और अच्छी उनको मतलब जो उनकी ग्रेवियंसेस है उसका अच्छा सोल्यूशन देना चाहिए क्योंकि ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करने का पर्पस ही यही होता है एग्जैक्टली वेरी ट्रू तो दैट टू फुलफिल दैट पर्पस इट वाज मेड ओके सर एंड सर वन मोर थिंग आप जनरल जब आप हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में जाते हैं या सेशन कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे क्लाइंट्स की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है बिकॉज वहां पे इन जनरल सारे मैटर्स डील होते हैं वेदर इट्स क्रिमिनल और सिविल सूट एक्सेट्रा फैमिली मैटर एक्सेट्रा बट AFT में मुझे जानना है कि वहां पे क्लाइंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है या फिर क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट दैट अवेयर मैं कभी वो वर्क एनवायरमेंट मैंने देखा नहीं तो ये मेरा क्वेश्चन है मुझे लगता है बहुत होगा थोड़ा सा चूंकि एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए है ये AFT जी यू कैन हियर मी या आई कैन हियर यू बट आई गेस आपका वीडियो पॉज है देयर सम नेटवर्क इश्यू ओके नो प्रॉब्लम यस सर यू बैक सो कैन यू हियर मी हाँ ये चूंकि यहाँ पे क्लाइंट्स और केसेस थोड़े से तो कम होते ही है क्योंकि एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए है जैसे मिलिट्री से रिलेटेड ही वर्क आता है एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड है आर्मी से रिलेटेड है तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए ये है तो डेफिनेटली हाई कोर्ट से कम होता है बट लॉट ऑफ पीपल कम लॉट ऑफ क्लाइंट्स कम फॉर देयर रिड्रेसल और अब तो बहुत सारी जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी हैं वो भी यहाँ पे रिजोल्व किए जाते हैं तो वो आवा एक NGO है आर्मी वालों की तो उसके थ्रू जो है ये भी रिड्रेसल पे से आते हैं यहाँ पे तो दिस वर्क इज आल्सो बीइंग डन इन AFT
एंड सर लास्टली आई वुड लाइक टू नो कि आपके क्या आपका क्या पर्सपेक्टिव है या फिर आपकी क्या एडवाइस होगी यंग जनरेशन को जो कि बहुत सारे करियर पाथ्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं बट शायद किसी चीज की नॉलेज ना होने की वजह से, जैसे कि मुझे भी अभी तक इतनी नहीं थी बट आपसे बात करके मुझे काफी कुछ पता लगा, तो उनके लिए आपका क्या क्या एडवाइस है, क्या सजेशन होगा कि वो कैसे कंटिन्यू करें इस फील्ड में, अगर वो आना चाहते हैं तो वो कैसे पार्टिसिपेट करें? फर्स्ट ऑफ आई वुड सजेस्ट कि एक बार आके यहाँ पे बैठिए, है ना, यहाँ पे रजिस्ट्रार से परमिशन दिलवा दी जाती है, तो इंटर्न्स कैन कम एंड आई हैव कॉल्ड सो मेनी इंटर्न्स एंड द लॉयर्स देयर आर वेरी हेल्पफुल एंड दे विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, और आप प्रैक्टिकल यूज के लिए, सी व्हाट वी स्टडीड इन लॉ इज टोटली डिफरेंट व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, गॉट इट, है ना? तो इसमें क्या है, जो इंटर्न्स होते हैं वी सजेस्ट कि आप आके बैठो कोर्ट में, देखो, है ना, इसमें क्या है, जैसे पहले AFTs में क्या था कि तीन तीन बेंच हर जगह होती थी जिसमें, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं बता दूं, इसमें एक रिटायर्ड जज होता है हाई कोर्ट का जो जुडिशियल मेंबर होता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होता है, वो मेजर जनरल के रैंक का होता है, इट्स फ्रॉम आर्मी एंड मिलिट्री, और इसके इक्विवेलेंट जो नेवी और एयरफोर्स के होते हैं, तो दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, दो मेंबर्स की ये कॉन्स्टिट्यूट होती है बेंच, और एक बेंच होती है वो रजिस्ट्रार की होती है जहां पे प्लीडिंग एक्सचेंज किए जाते हैं, देन आफ्टर द प्लीडिंग एक्सचेंज देन दे आर सपोज टू बी लिस्टेड इन द मेन कोर्ट। सबसे अच्छा चीज है कि बच्चों को वहां का माहौल अच्छा लगेगा, क्योंकि जो यंगर जनरेशन है ना, इमीडिएटली आफ्टर पासिंग आउट कम एंड सिट एंड देखिए वहां का माहौल, देखिए पीपल विल एंजॉय, है ना, वहां जो प्रोसीडिंग्स चलती है स्पेसिफिक होता है, बहुत ज्यादा उसमें पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड बुक्स होती हैं, उन्हीं के केस लॉज होते हैं, एंड छवि वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वी आर हैंडलिंग फ्यू केसेस, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, विल नॉट डिस्कस राइट नाउ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल डेफिनेटली कम टू यू कि उसके बारे में डिस्कस करो, है ना। There is one ambush. There was one ambush in 2002 or somewhere in Assam. उस ऑफिसर का मैं केस कर रहा हूँ, एक यंग लेडी ऑफिसर थी, शी वॉज फाउंड डेड इन हर क्वार्टर, तो वी आर हैंडलिंग दैट केस, तो दीज वेर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस एंड वी आर हैंडलिंग इट, और जैसे ही कुछ इसमें डिसाइड होता है So we'll like to share with you guys. For sure, sir. For sure. And sir, few more general questions. कि अभी आपसे बात करके मेरे दिमाग में एक चीज आई कि sir clients, मैंने इसके पहले frequency की बात करी थी, but आपको clients approach करते कैसे हैं? आपके पास clients आते कैसे हैं? See, होता क्या है कि the list जो इसमें cause list होती है, वो net पे available है। तो जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं, दे नो कि लखनऊ में एक इस तरह का आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है और हमको जो है वहां जाके अपना केस करना है, तो दे जस्ट चेक आउट द नेम्स ऑफ द लॉयर्स फ्रॉम देयर। ओके, तो जो जो लॉयर्स लिस्ट में होता है तो दे कॉन्टेक्ट देम। अच्छा, मोर ओवर वर्ड ऑफ माउथ से भी आते हैं, कुछ रेफरेंस होते हैं, जैसे आर्मी में अपने कोई फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं तो दे विल रिफर। And one thing very important, around 7 to 8 AFTs are there in India. Yes, sir. There is very interesting thing, many people don't know. There are jurisdiction divided in India for AFTs. There are around 8 AFTs, 7 to 8 AFTs. इसमें से एक बॉम्बे में है, एक जयपुर में है, चेन्नई में है, गुवाहाटी में है ना? तो इसमें क्या होता है कि वो jurisdiction divide किया, principal bench जो है वो दिल्ली में। Previously there was two circle bench, circuit bench जो थी वो एक नैनीताल में थी, एक जबलपुर में थी। But जबलपुर के jurisdiction में काफी cases आ गए, तो that was a permanent bench. जो सर्किट बेंच नेपाल में है वो जैसे 2 months में एक बार या दो बार या एक वीक के लिए लगती है। दिस इज हाउ द ज्यूरिसडिक्शन इज बीइंग डिवाइडेड।
तो अब जो यूपी के लोग होते हैं वो यूजुअली सब लखनऊ आते हैं, चंडीगढ़ के आसपास जो है वो चंडीगढ़ है ना, बॉम्बे महाराष्ट्र वाले जो है वो उधर जाते हैं, जयपुर वाले उधर, तो जुरिस्डिक्शन बटा हुआ है। हुआ ये था 2009-10 में व्हेन एफटी वाज बिल्ड, उस समय सारे केसेस सब टीए थे, टीए यू माइट बी नोइंग, ट्रांसफर एप्लीकेशंस, ओके यस दे सर वेर ऑल फ्रॉम हाई कोर्ट, है ना, ओके दे वेर फ्रॉम ऑल हाई कोर्ट। तो उसमें क्या होता था कि यूजुअली जैसे किसी को पता चला क्लाइंट को कि भाई वहां एफटी खोल गया है तो देख क्या, वो आते थे, तो उस समय केसेस बहुत ज्यादा थे। नाउ स्लोली स्लोली इट इज बीइंग डिक्रीजेस, वहां पे फायदा भी हो रहा है लोगों को, काफी सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं लोगों का, जो पेंशन रुकी हुई थी कई कई साल से। देर इज वन क्रेडिट गोज टू वन ऑफ माई कलीग, ही डिड इट, वी टुगेदर डिड दिस केस एंड इट वॉज 40 years ऑफ डिले एंड समहाउ 40 years गॉट of दिस delay. डिले कंडोन एंड या। After that, though this case was transferred to Jabalpur, Okay. but he got the pension. Great sir, great. And sir, one more thing. अभी current status क्या चल रहा है? आप कैसे काम कर रहे हैं या AFT कैसे operate कर रहे हैं? अभी थोड़ा सा सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं, जजेस का थोड़ा सा शॉर्टेज है, Okay. तो देर इज ओनली वन बेंच विच इज ऑफ वन जुडिशियल मेंबर एंड वन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एंड वन इज रजिस्ट्रार कोर्ट, बिकॉज हम लोग क्या अब ये हो गया है। अच्छा, वी वेर द फर्स्ट ट्रिब्यूनल जो हम लोगों ने ऑनलाइन फाइलिंग शुरू करी, लखनऊ AFT वॉज द फर्स्ट ट्रिब्यूनल। तो अभी भी वही चीज है कि हम लोग उसको ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट भी होता है वो भी वर्चुअल हियरिंग है, फिजिकल हियरिंग नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कुछ केसेस में क्या हुआ था, बिफोर जनवरी फरवरी तक इनफैक्ट देर वॉज अ केस जिसमें हम लोग चाहते थे कि फिजिकल अपियरेंस हम लोग की रहे, तो वी हैड एन एप्लीकेशन टू द HOD एंड दे प्रूव्ड इट वॉज बींग डन फिजिकल इन द कोर्ट, बट रेस्ट ऑफ द टाइम दिस इज ऑल वर्चुअल हियरिंग। ओके मतलब आपके पास दोनों ऑप्शंस थे. ओके नहीं, नॉट दोनों, इफ इज अ अर्जेंट मैटर ओके देन दे देन अलाउ। ओनली. ओके फाइन फाइन. हाँ तो इस कोविड टाइम में तो सर यही वर्चुअल हियरिंग ही शायद सबसे दिस बेस्ट इज और द प्रेफरेबल ओनली, ऑप्शन. या दिस इज द वेरी या बेस्ट ऑप्शन. आई एंड नो सर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर लाइफ, यू अबाउट योर इयर्स इन AFT? आस्क मी, यू आस्क मी, द AFT स्टाफ इज वेरी गुड, आई शुड से वेरी ओके फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, इवन यू कैन अप्रोच द रजिस्ट्रार्स ऑल्सो पर्सनली एंड वेरी फ्रेंडली एंड वेरी हेल्पफुल। और आई गेस कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, नेटवर्क कनेक्शन की वजह से सर हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. बट दिस वाज ऑल अबाउट AFT गाइस. एंड इफ यू वांट टू नो more things about it, so do let me know in the comment section and we'll connect with you guys soon. And so for such informative videos, please stay tuned. Jai Hind.